प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान को लेकर जयपुर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने चिकित्सा संस्थानों को दिए निर्देश। गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच के साथ ही शिशु की देखभाल और पोषण के बारे में भी दी जानकारी। शिक्षा राज्य मंत्री ने जयपुर में नई शिक्षा नीति 2020 पर स्कूली शिक्षकों की कार्यशाला को किया संबोधित। स्कूली शिक्षा क्षेत्र में व्यावसायिक और शैक्षणिक शिक्षा के एकीकरण पर कही बात। बारा जिला कलेक्टर ने सामाजिक कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा की। आमजन की समस्याओं से संबंधित मामलों के जल्द निस्तारण का दिलाया भरोसा। झालावाड़ जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में पंचायती राज और ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को दिए समुचित दिशा निर्देश भी। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार किशोर गृह सवाई माधोपुर में आयोजित किया गया विधिक जागरूकता शिविर। युवाओं को ईमानदारी की दिलाई शपथ। श्रीगंगानगर में स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा चलाए जा रहे शिक्षा अभियानों को लेकर एडीएम की अध्यक्षता में आयोजित की गई समीक्षा बैठक। विद्यालय और विद्यार्थियों के रिकॉर्ड नियमित रूप से ऑनलाइन अपडेट करने पर दिया जोर। सवाई माधोपुर में भी आयोजित किया गया अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कार्यक्रम। दशहरा मैदान में जिला कलेक्टर की मौजूदगी में पर्यावरण संरक्षण का दिलाया संकल्प। कलेक्ट्रेट सभागार में श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित की गई कृषि समीक्षा बैठक। कृषि विकास कार्य को लेकर किया गया मंथन। चित्तौड़गढ़ में 73वें जिला स्तरीय वन महोत्सव का किया गया आयोजन। लवकुश वाटिका में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण के दिलाया संकल्प। सवाई माधोपुर के गंगापुर उपखंड में आगामी अनंत चतुर्दशी पर होने वाले आयोजन को लेकर जिला मजिस्ट्रेट ने की बैठक। सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर अधिकारी को दिए निर्देश। राजसमंद में चार भुजा जी के जल झूलनी एकादशी मेले का किया गया आयोजन। मुख्य मंदिर से सोने की पालकी में विराजित ठाकुर जी को कराया गया नगर भ्रमण भी। राज्य की शांति और अहिंसा निदेशालय के निदेशक ने चूरू में गांधी दर्शन जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर में लिया हिस्सा। जिला कलेक्टर की मौजूदगी में युवाओं को गांधी दर्शन आत्मसात करने के किया आह्वान। चित्तौड़गढ़ में जल झूलनी एकादशी के 3 दिवसीय मेले के तहत निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। आरती के बाद भगवान सांवलिया सेठ ने के श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। धौलपुर जिला चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने सितंबर माह में मनाए जा रहे पोषण माह को लेकर जारी किए दिशा निर्देश। 9 सितंबर को आयोजित होने वाले प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान को सफल बनाने का किया आह्वान। और श्रीगंगानगर में जिला हिंसा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी की बैठक में निदेशक ने अधिकारियों से किया आह्वान। देश के गौरवशाली इतिहास और गांधी दर्शन को युवा पीढ़ी तक पहुंचाएं।